आपके लिए लाया है 75 गियरबॉक्स टाटा, जो हमने पिछले कमेंट में कई भाइयों ने कमेंट किया था 75 गियरबॉक्स के लिए। कुछ क्या मेनसार असेंबल जो फुल वीडियो आपको डालेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ। ये सेटअप 3 जो आपको पता होगा भाई, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर में सेटअप 3 आता है इसमें, इसमें क्या कि गियर स्लिप हो रहे थे जिसे हम छटकना भी कहते हैं, उसकी वजह से। और फर्स्ट नंबर गियर स्टीव्स आइडल काउंटर शॉप ये भी हम नया डालेंगे इसमें। ये 4 नंबर गिरारी है मेन शाफ्ट, इसके हम जे की डालेंगे गिरारी, ये भी बढ़िया कंपनी है। लेकिन सिंक्रोनाइज़र रिंग कोन जो भी डालेंगे सब टाटा की, क्योंकि गियर स्लिप होने इसमें हमेशा टाटा चीज बेटर रहेगी। ये टाटा का इसमें खोल रहा हूँ, पर आपको भी कोई शिकायत हो 60 टाटा या 75 गियर बॉक्स में तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ये देख सकते हो टाटा का जेन पार्ट, ये MRP है इसमें। ये स्लाइडिंग स्ल्यू आपको वही पता होगा कि ये सारे स्लाइडिंग स्ल्यू सेम ही आते हैं इसमें, इसमें कोई फर्क नहीं आता ऊपर नीचे, जैसे लिलियन मेन शॉट में अलग अलग आता है। ये भी है स्लाइडिंग स्ल्यू, दोनों स्ल्यू नहीं डाले हैं ऊपर के। गियर स्लिप उन्होंने हमेशा ध्यान रखा गाइस कि टाटा ही चीज डालें, और स्लाइडिंग स्ल्यू हमेशा चेंज किया। यह फर्स्ट गियर है, ये जे का है, एकदम फिटिंग वगैरह, और हमेशा गियर जो सा भी डाले उसका हमेशा तीर वगैरह साइज वगैरह ये जरूर चेक कर चेक कीजिएगा। इसमें कई बार क्या कन्फ्यूजन में हमारा कुछ उल्टा सीधा भी हो जाता है हमेशा। एयरविज आइडल पिन ये भी टाटा का, दाते हमेशा मैच कीजिएगा कौन सी भी गैलरी आप डालो मेन काउंटर की, बिल्कुल ही देखो। इसमें काउंटर टेपर वाला है तो भाई इस पर ध्यान रखिएगा, टेपर वाले में टेपर वाली ही गैलरी चलेगी। आप सीधे दांत की आप गिराई डालोगे तो वो आपको साउंड का मिस्टेक रहेगा। आपको पता होगा 75 में सीधे दांत का था काउंटर, और कुछ में ये सेंक्रो कौन है, ये भी ओरिजिनल टाटा जेन्युइन है टेलको। इसमें राज रिंग है, ये ओरिजिनल सेंक्रोवाजर रिंग टाटा की। अब हम मेन शाफ्ट असेंबल करेंगे, ये गियर पूरा बिखरा हुआ है। ये टिप्पर का गियर है गाइस, 25-18 टाटा, इसमें काउंटर में ले शाफ्ट जैसे हम बोलते हैं, उसमें टीथ में जो फर्क आता है कभी टेपर वाला, जो फर्स्ट गियर में टेपर वाला ही चाहिएगा, सीधे टीथ वाला आप गियर डाल नहीं सकते वरना डैमेज जाएगी यार ये काउंटर सारे। ये लोकेट भी है नया टनाटन कंपनी का, इसमें बेल्ट पीछे तक की टोटल लोके हैं इसमें गियर में जो असेंबल होती है। गाइस जो हमारे चैनल को नए जुड़े हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हो GB75 गियर बॉक्स लॉकेट, ये सेकंड गियर है भाई। आपको पता होगा इसमें सेटअप 3 लगता है, इसमें आप हटा के आप सेटअप 2 भी डाल सकते हो, क्योंकि ये महंगा पड़ता है सेटअप 3, और सेटअप 2 सस्ता पड़ता है। ये फिक्स डाउल है, ये दोनों तरफ से एक समान है, इसको आप कैसे बिठा सकते हो। और किन किन चीज़ों का आगे मेन साइड में आपको ध्यान रखना है वो जरूर देखिएगा। ये लोकेट है, देखो सारे लोकेट नहीं है, इसमें क्या है लोक निकालते हुए जो डैमेज हो चुकी थी, इसलिए हमने पूरा लॉकेट मंगाया है। ये खुली लॉक मिलती नहीं है, और ओरिजिनल किट में पूरी ओरिजिनल आएगी। अगर गियर स्लिप हो रहे हो मेन साइड में तो आप इन किन किन चीज़ों का ध्यान रखिएगा ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ कमी पेशी रहेगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ दिक्कत हो, कुछ चीज़ों में परेशानी हो तो
इस तरह से आप लोग को भी चेक कर सकते हो घुमा के कि लोग पूरी फिटिंग आनी चाहिए। ये स्लाइडिंग सिलियो हमारा पहले दूसरे का सैक्रोवाइजर किट है। तीनों सैक्रोवाइजर किट नया डाला है इसमें। सैक्रोवाइजर किट का गाइस हमें कमेंट में बताया कि इनका क्या काम है और क्या काम करते हैं, ये भी हमें बताइएगा। ये हमारे कटर को रोक के रखते हैं बीच में सेंटर में, आगे पीछे हिलने नहीं देते। वो काम फोर का भी करता है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन फोर भी करता है और ये दोनों काम ये भी करते हैं। बाकी आप कई बार देखते हो कि ये कटे हैं, इससे क्या स्लिप होना बंद हो जाएंगे चटकना, तो इससे कोई बंद नहीं होता है। ये तो कड़ों को बीच में न्यूट्रल की जगह रखे हुए रखते हैं। इस फर्स्ट गियर है, इसमें फर्स्ट में भी सेटअप थ्री है, ये भी हमने नया सेट डाला बिल्कुल। गाइस अभी वर्कशॉप हमारे दो गियर खुले में, अभी आपको आप वीडियो में बताएंगे। वो टाटा का वो भी GB75 है और आगे बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और आपको अच्छा या बुरा कुछ भी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारा आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है गाइस। और आपकी जो भी बात होगी हम अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। आपकी जो भी परेशानी है मेन साइड में, कोई प्रॉब्लम हो 60 में 75 गियर बॉक्स में, ये फर्स्ट गियर था यहाँ में से इनका। अब ये रिविस का फिक्स टाउल है एंगेजिंग, इसके ऊपर भी लोक लगेगी पतली वाली, उस लोक को भी हम लगाएंगे। इस लोक को लगाने के बाद हमेशा जो गियर अगर स्लिप हो रहा है एक नंबर, तो उसकी चाल वगैरह जरूर चेक कीजिएगा। गियर चटकने की बीमारी यही है चाल से, अगर चाल रहेगी गिरा में तो गियर हमारा स्लिप चटकना ये चालू रहेगा। लोक है अब इसके अब रिविस गिरा लगेगा, अभी बड़ा रिविस गियर, ये रिविस है। ये जो वाइसर है इसका बेरिंग को रोकने का काम है, इसमें ध्यान रखिएगा इसमें कोलर की साइड ऊपर रहेगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो वाइसर को। बेरिंग है ये टेपर रोलर बेरिंग जो पिछला 100 फीट होगा, या फिर पीछे का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है गाइस। हम आगे से अब स्टार्ट करेंगे, तीन नंबर गियर जो यहाँ लगेगा स्लाइडिंग स्लू को हमेशा एक बार चला के देख लीजिएगा। अगर सैक्रोवाइजर की कई बार अटक जाता है तो उससे कहीं हमारा गियर एंगेज नहीं होता बात पूरा। ये तीन नंबर गियर ही इसमें सेटअप थ्री है, इसमें भी सैक्रोवाइजर रिंग कौन पुरानी है, नई नई डाली कंप्लीट थी, सेटअप थ्री है, सेटअप थ्री तीन नंबर में भी। गाइस में आप सेटअप टू भी सेट कर सकते हो इसके अंदर, तो आपको पहले बताया था कि आप नीचे पहले दूसरे इनमें भी आप सेटअप टू सेट कर सकते हो और सेटअप थ्री भी लगा सकते हो। कंपनी आप सेटअप थ्री देती है, सेटअप थ्री में ये खासियत है कि आप अगर रिंग खराब कौन खराब तो आप दो अलग अलग जुगाड़ भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये फिक्स टावल है, इसमें ये ध्यान रखिएगा ये कॉलर ऊपर की साइड रहेगा लॉक वाला, अगर हम इसको उल्टा लगाएंगे तो लॉक हमारा आएगा ही नहीं। इसमें भी एक बिल्कुल जाडी लॉक लगेगी, ये उल्टी लॉक क्लास है, आप इसको दबा कर पूरी अंदर प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से
लोको में से चेक कीजिएगा, घुमाऊंगा। और जिन भाइयों ने हमें कमेंट बॉक्स में 75 गियर बॉक्स, ये सेग्रोवाइजर किट है, इसमें भी हमने नए सेग्रोवाइजर किट डाले हैं, पुराना जो बिल्कुल कट चुके थे। ये 3 नंबर गियर, इसके ऊपर हम अभी 4 नंबर लगाएंगे इस सेग्रोवाइजर के, इस तरह। गाइस बने रहिए हमारे वीडियो में, जिसने लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि इन भाइयों ने जो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और जुड़े रहे हमारे, जो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी और इससे जाने के लिए वीडियो डालते रहें। ये 4 नंबर की सेग्रोवाइजर रिंग कोन है, इसमें भी हमने सेट पूरा नया डाला है सेग्रो रिंग कोन का। गाइस जो नए में जो भी आप फिट करो तो ऑयल ज़रूर लगाइएगा, ऑयल से। और ये ध्यान रखिएगा कौन हमेशा बिल्कुल गिरारी में टाइट ही होनी चाहिए, ढीली रहेगी तो फिर गैस स्लिप होने का खतरा रहेगा। ये 4 नंबर गियर मुकम्मल, तो इसकी अगली जानकारी हम अगले वीडियो में डालेंगे, बने रहे हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो टेपिट सेटिंग की आने वाली है, तो गाइस बने रहिए हमारे चैनल पर, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।